सिर्फ इसको नुकसान से निकालने दें। नुकसान वाले आदमी से आप कुछ नहीं मार सकते। देखें पाकिस्तान कितना अजीम मुल्क है, इस वक्त यहूदियों के कब्ज़े में इसलिए तो उनसे भीख मांगते हैं। पहले मुझे वफाकी हुकूमत से भीख मांगते, पहले मुझे उससे निकलने दें, फिर इंशाल्लाह ताला जो है मैं ट्रेनों की, मुझे पता ही नहीं कितनी ट्रेनें चल रही हैं। आप यहाँ भी कर रहे हैं ना, मैं बराबर कह रहा हूँ, मुझे ट्रेनों तक मैं पहुँचा नहीं, मैं फ्रेट में फंसा हूँ। जिस दिन इंशाल्लाह ताला फ्रेट 30 दिन के अंदर अगर वैसे निकलूँगा, ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा, फिर मैं आपको ट्रेनें चला कर। सर ये स्टाफ अगर अर्निंग होगी ज़्यादा, जहाँ नुकसान होगा मैं आउटसोर्स करूँगा, ये मेरा काम नहीं है। ट्रेन चलाना जो है ये बिजनेसमैन का काम है जी जी, ये रेलवे के मिनिस्टर का या रेलवे ऑफिसर का काम नहीं है जी। ताकि उसको बिजनेस के तौर पे चलाएंगे, आपको सहूलत मिलेगी, किराया कम होगा और कम से कम आपको इंसान के तौर पे ट्रीट करेंगे इंशाल्लाह। इसको नुकसान से निकालने दें, नुकसान वाले आदमी से आप कुछ नहीं मार सकते। देखें पाकिस्तान कितना अजीम मुल्क है, इस वक्त यहूदियों के कब्ज़े में इसलिए तो उनसे भीख मांगते हैं। पहले मुझे वफाकी हुकूमत से भीख मांगते, पहले मुझे उससे निकलने दें, फिर इंशाल्लाह ताला जो है मैं ट्रेनों की, मुझे पता ही नहीं कितनी ट्रेनें चल रही हैं। आप यहाँ भी कर रहे हैं ना, मैं बराबर कह रहा हूँ, मुझे ट्रेनों तक मैं पहुँचा नहीं, मैं फ्रेट में फंसा हूँ। जिस दिन इंशाल्लाह ताला फ्रेट 30 दिन के अंदर अगर वैसे निकलूँगा, ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा, फिर मैं आपको ट्रेनें चला कर। सर ये स्टाफ अगर अर्निंग होगी ज़्यादा।